सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। मैं आराम से बोलूँगा, थोड़ा गला बैठा हुआ है। तो अभी हम रास्ते में चल रहे थे तो हमें एक भाई ने लिफ्ट मांगी थी, तो भाई उनको हम लिफ्ट दे रहे थे। तो हमने जिस लोकेशन पे जाना था उसी लोकेशन पे जा रहे थे, तो भाई ने बोला है रास्ते में शिव मंदिर पड़ता है तो आप लोग वहाँ पर भी विज़िट कर लो। तो हम भाई को साथ में ले आए, भाई को जाते हुए उनकी लोकेशन पर छोड़ देंगे। कुछ ऐसा दिखता है मंदिर, इस मंदिर का नाम भाई उदयनाथ धाम बता रहे हैं। अंदर चलते हैं, पहले हाथ पैर वगैरह धो लेते हैं। तो भाई ये जो मछली पड़ी है ना, ये वाली, ये अभी अभी एक सांप छोड़ के गए, जस्ट अभी एक सांप इसको मार के फिर छोड़ के चला गया यहाँ पे। मुझे वो सांप इधर कहीं दिखा था। ये अभी नहीं दिख रहा, बहुत मछलियाँ इसमें मरी हुई है। ये देखो बहुत सारी मछलियाँ। बट भाई अभी वो सांप नहीं दिख रहा है, वो भी नहीं दिखा था। वो वैसे दोस्तों को दिखा था, मैंने बताया अंदर से है मंदिर। एंड ये लोग कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पे। हर हर महादेव। जय बोलो। हाय फ्रेंड्स, उदनाथ धाम के आए हुए हैं हम घूमने के लिए अशोक जी के साथ। अशोक जी बोल। भाई ये मंदिर कुछ अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे शिवलिंग है, यहाँ पे सारी, अरे हम सबके फेवरेट हनुमान जी, महादेव जी। अरे इस मंदिर के जस्ट बाहर भाई ये है जगन्नाथ जी महाराज, और इनका कक्ष, हम सबके फेवरेट कान्हा जी। भाई उदयनाथ जी के मंदिर का रास्ता इस साइड से, मतलब पहले ऐसा सीन होता है यहाँ पे कि पहले जो जगन्नाथ जी हैं उनसे परमिशन लेते हैं, उसके बाद ऊपर मंदिर में जाया जाता है, इसलिए उनके कक्ष में जाना जरूरी है। एक छोटा सा गेट। भाई लग ही नहीं रहा मैं राजस्थान में, चारों तरफ हरियाली हरियाली, चारों तरफ हरियाली हरियाली। तो भाई ये थी कुछ मेरे पीछे वाली लोकेशन, और अभी हम लोग घर बनाएंगे, क्योंकि अपने नए मिले हुए भाई का कहना है कि ऐसे मनोकामना पूरी होती है। तो
छोटी सी कुछ विशेष है भाई, एक बार आखिरी बार देख लो इस जगह को, क्योंकि यहाँ से हम ले रहे रवाना, मतलब आखिरी बार नहीं यार, अगर किसी दिन यहाँ का बुलावा हुआ तो जरूर आएंगे, कभी इसी रूट में हुए तो जरूर आएंगे। बहुत अच्छी जगह है, मतलब तो बहुत कुछ है यार राजस्थान में एक्सप्लोर करने को। मैं फालतू में दूसरे स्टेट्स के पीछे पड़ा रहता हूँ हमेशा, ये मेरे को अभी रियलाइज हुआ भाई। अब दबा के राजस्थान की, राजस्थान की ब्लॉग्स कुछ जगहें ऐसी हैं ना कि भाई देखो, सीधी बात ये है कि तो बैठ के बता, देखो सीधी बात ये है कि तुम्हें ना मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है, ये चीज़ उनमें से एक। हमारा कोई प्लान नहीं था, हम इस जगह को जानते भी नहीं थे। हमने भाई से रास्ता पूछा, भाई हमारे साथ बैठा, भाई ने मतलब कि भाई के घर की साइड हम 1 किलोमीटर आगे निकल गए थे, फिर हम लोग पीछे, सॉरी 1 किलोमीटर नहीं, बहुत ज़्यादा बोल दिया, 50-100 मीटर आगे निकल गए थे दूसरी साइड में। फिर भाई को याद आया कि यहाँ एक मंदिर है, कि वहाँ चलो, बहुत सही मंदिर है। फिर हम लोग यहाँ आए, दर्शन किए, अच्छा लगा, जबकि हमारे प्लान में ये था ही नहीं बिल्कुल भी। तो भाई ये चीज़ें होती हैं यार भाई, तुम किसी जगह पे जाती नहीं, तुम्हें बुलाया जाता है किसी जगह पे, यानी कि भगवान के दरबार में आपको बुलाया जाता है, आप खुद नहीं जाते अपने मन से। भाई बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, ज़रूर आऊँगा भाई एक और बार, कभी ना कभी वापस बुलाएंगे बाबा। भाई थोड़ा गला खराब है ना, थोड़ा तो ऐसे बहुत अजीब सा लग रहा है यार प्रेम से बोलते हुए। पूरा आश्रम टाइप वाइब देती है भाई ये जगह। भाई एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं यार, क्या पता वो वाला सांप दिख जाए। भाई कहीं नहीं दिख रहा यार, वो सिर्फ एक बार दिखा था, वो सिर्फ एक बार दिखा था, उसके बाद अभी तक दिखाई नहीं, मिस कर गए भाई। तो भाई कैसा लगा तुम्हें मेरा ये वाला व्लॉग, और लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, पहली बार ये चीज़ बोल रहा हूँ। और मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।